हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आई शेडो हम कैसे बनाते हैं लिपस्टिक की मदद से। यहाँ पे जो मैंने बेस यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है मेकअप स्टूडियो में से शेड कैरेबीन। अच्छे से उसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। देन अच्छे से सबसे फर्स्ट हम आईब्रोज बनाएंगे। आईब्रोज को एकदम अच्छे से स्पूली ब्रश से ब्रश आउट किया है। सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ PAC का ब्रश। अच्छे से उसको ब्रश आउट करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी आईब्रो का एंगुलर ब्रश एंड एनेस्थेसिया का डिब्रो। द शेड इज डार्क ब्राउन। ये जेल फॉर्म में आता है तो काफ़ी अच्छे से आईब्रो से बन जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मैं आईब्रो के ऊपर ओवरलाइन किया है मैंने। एंड देन एक आउटर लाइन बनाने के बाद अच्छे से आपको आईब्रोज फिल करने हैं। जैसे ही आप फिल करेंगे तो ये रूल होता है आईब्रो का कि आप हमेशा पीछे डार्क कलर रखेंगे एंड देन जैसे ही आगे आते जाएंगे आईब्रो आपकी लाइट होती रहनी चाहिए। कम्प्लीटली डार्क या कम्प्लीटली लाइट नहीं होनी चाहिए, एकदम पीछे आपको डार्क लेना है एंड देन जैसे आप आगे आए आपको लाइट करना है। आप लाइट आगे स्पूली ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। आपकी ब्रोज आगे ज़्यादा प्रोमिनेंट ना लगे इसीलिए स्पूली ब्रश की मदद से आप उसको डिफ्यूज़ कर सकते हो, तो अच्छे से कलर ब्लेंड हो जाएगा और आगे एकदम लाइट लगेगा। देन आपको अच्छे से कंसीलर से आपको जो भी एक्स्ट्रा ब्रोज एंड प्रोडक्ट बाहर निकला है उस शेप से आपको उसको कट करना है। तो काफ़ी इस प्रोसेस से आपके ब्रोज काफ़ी डिफाइन हो जाएंगे। यही टेक्निक आपको दोनों ब्रोज पर करनी है एंड देन आपके ब्रोज इज़ ऑल सेट रेडी टू गो। जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया, ये ब्राउन शेड मैंने यूज़ किया है अपने ब्रो बोन पे एकदम ट्रांजिशन इफेक्ट देने के लिए, एकदम डिफ्यूज इफेक्ट देने के लिए। हमेशा जो आई शेडो होता है वो टॉप से लाइट टू डार्क आता है, तो इसीलिए हमने सबसे लाइटेस्ट ब्राउन यूज़ किया है, अच्छे से ब्लेंड किया है। एंड जो ब्लेंडिंग ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम ब्यूटीलिशियस। आप जैसे ही पाउडर प्रोडक्ट ब्रश में उठाते हैं उसी टाइम आपको पहले ब्रश में उठा के फर्स्ट थिंग डस्ट ऑफ करना है एंड देन ही प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो इस वजह से आपके पास फुल कंट्रोल रहेगा कि आप धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट बिल्डअप कर सकते हैं। अगर ब्रश में एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया तो वो पैच बना देगा और काफ़ी ओवरडोज हो जाएगा प्रोडक्ट का। अभी यहाँ पर जो मैंने ब्रश यूज़ किया है वो है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, जिसे हम क्रीज लाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं अभी डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ जो अभी थोड़ा डार्क शेड है, इसे हम क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो काफ़ी अच्छा डेप्थ मिलेगा उससे आईज को। आपको हमेशा प्रोडक्ट अच्छे से प्लेस करना है एंड देन उसको ब्लेंड करना है। आप ब्लेंडिंग अच्छे से सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले मैं प्रोडक्ट प्लेस कर रही हूँ एंड देन उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। डैप डैप करके प्रोडक्ट प्लेस कीजिए एंड देन सर्कुलर मोशन में या फ्रंट एंड बैक मोशन में उसको ब्लेंड कीजिए। अगेन अभी ये जो दो कलर्स यूज़ किए थे हमने आई शेडो के लिए उसमें हमको अच्छे से अभी बिग ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से उसको डिफ्यूज़ करना है, मर्ज करना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक। आपको लिक्विड लिपस्टिक लेना है और कुछ इस तरह का ब्रश यूज़ करना है जैसे कि मैं बता रही हूँ। अच्छे से ब्रश में आप लिक्विड लिपस्टिक उठाइए एंड देन अप्लाई कीजिए अपने आई लिप्स पे। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको क्रीज लाइन के ऊपर ये प्रोडक्ट नहीं लेके जाना है। जो एप्लीकेशन करेंगे इस प्रोडक्ट का वो क्रीज लाइन के अंदर ही होना चाहिए एंड ब्लेंडिंग आपकी जाएगी क्रीज लाइन के ऊपर तक, क्योंकि धीरे धीरे जाएगी, पर एप्लीकेशन जब आप प्रोडक्ट इसको अप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्रीज लाइन के ऊपर आपको अप्लाई नहीं करना है।
क्रीज लाइन के अंदर अंदर ही रखना है एंड देन आपको अपना ब्लेंडिंग गेम चालू करना है। नाउ अगेन हम ये ब्रश लेंगे एंड अच्छे से उसको प्रोडक्ट को डिफ्यूज करेंगे कि वो दूसरे प्रोडक्ट जो दूसरा कलर यूज़ किया है हमने अच्छे से मर्ज हो जाए। इस तरह से आपको ब्लेंडिंग चालू रखना है। ब्लेंडिंग के लिए आप थोड़ा सा लाइट ब्राउन प्रोडक्ट उठा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे उठाया है थोड़ा लाइट ब्राउन प्रोडक्ट जो हमने एकदम स्टार्टिंग में यूज़ किया था एंड यहाँ पे बिल्कुल भी पैच नहीं बना है। अब यहाँ जाके मैं लूँगी डार्क ब्राउन एंड इसको मैं आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी डेप्थ देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर्स में। और वो आप देखिए क्रीज लाइन के नीचे ही है, आपको प्रोडक्ट को क्रीज लाइन के ऊपर नहीं डिपॉजिट करना है, सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे एंड क्रीज लाइन के नीचे ही उसको डिपॉजिट करना है एंड देन अच्छे से ब्लेंड करना है। तो जो दो ब्रश है, द प्रेसिशन ब्रश, द ब्लेंडिंग ब्रश एंड जो मैंने लिक्विड आई शेडो जिस ब्रश से लगाया है, वो ब्रश आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक आई शेडो क्रिएट करने के लिए। अगेन अच्छे से ब्लेंड किया सारे प्रोडक्ट को और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। डू फॉलो मी टू वॉच द कम्प्लीट लुक।